हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्ट मॉडिफायर या फिर कनेक्ट कमांड कैसे यूज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि कनेक्ट होता क्या है। कनेक्ट बेसिकली एक कमांड है जिसके थ्रू हम दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्रिज में करते थे कि ब्रिज दो ऑब्जेक्ट लिए हमने, दो ऑब्जेक्ट को हमने फिर ब्रिज में मतलब दो उनकी सेगमेंट्स रिमूव करी या फिर उनके पॉलीगन डिलीट करे, लेकिन उस पर हमने ब्रिज डाल दिया तो वो एक ब्रिज सा बन जाता था उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। तो सेम यही है, बस ब्रिज में हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं होते थे एडिशन करने के लिए फिर एडिट करने के लिए। तो कनेक्ट में आपके पास वो ऑप्शंस मिल जाते हैं या फिर वो कह सकते हैं उसके मॉडिफिकेशन मिल जाते हैं हमें करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं कनेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा जिसके हम थोड़ी सी सेगमेंट्स वगैरह रख लेंगे, कुछ अप्रॉक्स 5 5 रख देता हूँ मैं सबकी सेगमेंट्स। या फिर 6 6 कर देते हैं। देन मैं इसकी कॉपी ले लूँगा। अगर आप कॉपी नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि कॉपी ही लेनी है। तो मैंने इसकी सेगमेंट्स कॉपी ले ली, मतलब कॉपी ले लिया इसको। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दूंगा। यहाँ से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। अब मैं इसके पॉलीगन्स रिमूव करूँगा यहाँ से। तो मैं दोनों के पॉलीगन्स रिमूव कर, देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ नीचे से करें, इसमें ऊपर से करें। तो अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के क्रिएट पे जाऊंगा। क्रिएट के बाद हम यहाँ पे जाएंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट में, कंपाउंड ऑब्जेक्ट के बाद हम जाएंगे यहाँ पे कनेक्ट पे। तो जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा, इंस्टेंस कर दूंगा इसको पिक और प्रिंट कर देंगे। तो देखिए एक एक ब्रिज क्रिएट हो गया इसके साथ में। और अगर मैं यहाँ से मूव भी करता हूँ इसको, लाइक अगर मैंने नहीं किया रेफर इंस्टेंस, तो ऐसे मैं मूव करता हूँ तो भी मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर सेटिंग्स देखते हैं हम। इसकी सेगमेंट्स हमें डालने हैं, जैसे हमें स्मूथ करना है इस पर्टिकुलर ब्रिज को, तो हम इसमें सेगमेंट्स बढ़ा देंगे। जितने हम सेगमेंट्स बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा ये स्मूथ होता चले जाएगा। देखिए अब इसमें तो टेंशन टेंशन कम करेंगे तो ये फूल जाएगा, और टेंशन बढ़ा देंगे तो ये पतला हो जाएगा, नैरो सा हो जाएगा, अपनी शेप से श्रिंक हो जाएगा। और जीरो रखेंगे तो नॉर्मल जैसा आपका ब्रिज होता है वैसे ही रहेगा। तो इससे हम लोग वो भी बना सकते हैं, जैसे हमने, अगर आपने कभी देखा हो कि दो बिल्डिंग को जोड़ते हैं हम, बीच में एक ग्लास वाला ब्रिज होता है, तो वो चीज़ बना सकते हैं हम इससे कि दो बिल्डिंग है हमारे पास, उसमें से हमने पॉलीगन डिलीट करे दोनों में से और उनका जोड़ दिया, तो बीच का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम उसको भी हम ग्लास कर देंगे। उसके अंदर साइड में हम बैटन्स लगा देंगे, ग्लास के रेलिंग्स लगा देंगे, जैसे कि आपने देखा होगा ग्लास ब्रिजेस, तो वैसा कुछ कर सकते हैं। या फिर जैसे आपने एयरपोर्ट पर देखे होंगे कि दो बिल्डिंग जुड़ती हैं तो उनका जो स्लांट वाला होता है ब्रिज, तो वो भी हम इससे बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम इससे अपने सुविधा के हिसाब से। और यही नहीं कि इसमें से भी हम बॉक्स वगैरह से ही कर सकते हैं, बॉक्स टू बॉक्स कर सकते हैं या फिर स्पेयर टू स्पेयर कर सकते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे आपका एक स्पेयर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक ले लिया हमने कोन, ठीक है जी। अब मैंने इन दोनों को ही पकड़ के कर दिया एडिटेबल पॉली, राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। देन मैंने इनमें से दोनों पॉलीगन्स उड़ा दिए थोड़े थोड़े, ये इसमें से 4 उड़ा दिए वाले और इसमें से ये वाले उड़ा दिए। सिलेक्ट करेंगे पॉलीगन्स या फिर ये सामने वाले, अब मैं इसको पकड़ के करूँगा यहाँ से
कंपाउंड ब्रेक कनेक्ट, दूसरे का ब्रेक ऑपरेंड ये कर दूंगा, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर सेगमेंट डालूंगा तो ये स्मूथ होता चले आएगा। टेंशन क्रिएट करूंगा, कम करूंगा, ज़्यादा करूंगा, तो सबसे इस पे इफेक्ट पड़ जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट पे। अब इसकी और बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं, इसकी बाकी सेगमेंट्स की। अब जैसे कि आपने इसमें देखा है स्मूथनेस, यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथनेस नहीं है इसकी। अगर मैं इसको रिलीज करूँ तो इनकी स्मूथनेस है नहीं, देखिए कितने हार्ड हार्ड एजेस आ रही हैं। अब मैं इसमें यहाँ से कर सकता हूँ सिलेक्ट करके ब्रिज, यहाँ पर स्मूथनिंग, इसमें ब्रिज करूँगा तो ये ब्रिज को स्मूथ कर देगा जो भी हमारा ब्रिज है। अगर इनके एंड्स भी करने हैं तो हम इस पे एंड्स पे कर देंगे तो ये एंड्स को भी स्मूथ करने की कोशिश करेगा। जितना ज़्यादा जैसे पॉलीगन्स होंगे आपके, जैसे पॉलीगन ज़्यादा हैं आपके तो वो स्मूथ कर देगा, अगर पॉलीगन्स कम है तो वो कोशिश करेगा जितना उससे हो सकता है वो उतना करके आपको दे देगा। देन अब इसमें आता है नीचे रिजल्ट्स, डिस्प्ले अपडेट। अगर हम इसका रिजल्ट चाहते हैं, ये पे ऑपरेंट रहते हैं, यहाँ पे कुछ ना दिखे हमें, बस रिजल्ट ना दिखे जो ब्रिज हुआ है क्रिएट वो रेंडर में दिखे हमें सीधा, तो हम वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया रिजल्ट, तो रिजल्ट दिख रहा है हमें कि कैसा हुआ है ये इफेक्ट। अब इसमें आता है अपडेट, अपडेट में अगर मैं यहाँ से सेगमेंट्स कम कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलवेज है तो हर बार हमें दिखा रहा है कि कितना कितना अपडेट हुआ है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सेगमेंट 0 कर दी तो दिख रहा है हमें। अब इवेंट रेंडरिंग में आता है कि यहाँ से सेगमेंट बढ़ा भी दें तो भी हमें नहीं दिखेगा कुछ, अगर मैं रेंडर करके दिखाऊंगा तो ही वो दिखेगा हमें। तो ही वो दिखेगा हमें, मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको रेंडर ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए अगर पहले सेग पहले हमारा जो रेंडर था पहले सेगमेंट्स कम थी, अब मैं 3 कर दी सेगमेंट, तो अब रेंडर में पता चलेगा कि सेगमेंट्स कम है ज़्यादा है, तो वो चीज़ होती है। अब मैं सेगमेंट बढ़ा दूंगा, ठीक है, मगर वो मैनुअली अपडेट। अब मैं जब भी चाहे अपडेट करना चाहूँ तब मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने टेंशन बढ़ा दी तो मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन अगर मैं जैसे ही अपडेट करूँगा तो वो दिखेगा मेरे को कि क्या इफेक्ट पड़ा। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि ऑलवेज करना है या फिर जैसे भी आपको सही लगे वैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ और चीज़ें कि कैसे हम एडिट कर सकते हैं इसके थ्रू। अब हम एक टीपॉट ले लेंगे, ठीक है, इसकी कॉपी बना लूँगा मैं, पहले इसकी सेगमेंट बना लेते हैं स्मूथनेस के लिए, फिर मैं इसकी कॉपी बना लूँगा, पीछे कॉपी, अब मैंने इसमें से इसका हैंडल रिमूव कर दिया और इसमें से इनकी सब बॉडी पार्ट्स रिमूव कर दिए। अब मैं थोड़ा सा क्लोज ले आऊँगा, अब मैं आपको करके दिखाऊंगा इसमें इंस्टेंस कि इंस्टेंस से क्या फ़र्क है या फिर क्या फ़ायदा है इंस्टेंस का। अब मैं इस पर करूँगा कनेक्ट, देन मैं करूँगा इंस्टेंस, तो इंस्टेंस से क्या फ़ायदा हुआ मेरे को कि एक ही कॉपी बन गई इसकी, जो चेंजेस इस पर करूँगा वो इस पर भी होंगे, लेकिन हमने ये ख़राब इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसके पॉलीगन्स रिमूव नहीं करे थे। अब हम इन दोनों के बना लेंगे हम अपना एडिटेबल पॉली, ठीक। अब मैं लेफ्ट व्यू जाऊंगा, इसके जो कनेक्टिंग पॉलीगन्स हैं मैं उनको डिलीट कर दूंगा जो इसके साथ कनेक्ट होंगे, तो मैं यहाँ से कुछ 6 पॉलीगन डिलीट कर दूंगा और नीचे के भी कुछ 5-6 पॉलीगन डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने जैसे ही इस पर कनेक्ट डाला,
तो ये इसने कनेक्ट कर दिया। अब जब मैंने इसको इंस्टेंस करा था, तो मैं जैसे ही इसको मूव करूँगा थोड़ा सा आगे या साइड में, तो आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें, क्या दिख रहा है। अब हम इसमें भी वही सब कर सकते हैं कि सेगमेंट बढ़ानी है, सेगमेंट बढ़ा सकते हैं अपने ब्रिज की, ब्रिज को स्मूथ कर सकते हैं कि जो हमारा इफेक्ट है वो अच्छा है, टेंशन कम कर सकते हैं, ये ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। अब हम इसको कुछ चेंज करेंगे, लेकिन हम ये तब इफेक्ट करेगा जब हम इसके पॉलीगन्स को पकड़ के मूव करेंगे। जैसे अगर मैं इसके पॉलीगन को स्केल करूँगा तो ही वो स्केल होगा, मैं वर्टेक्स को छेड़ूंगा तो ही वो आगे या पीछे होंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसका ऑल ओवर साइज बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, या फिर कुछ पतला करूंगा तो कम होगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं। जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊंगा एडिट पॉली के अंदर, इसके पॉलीगन बढ़ा के मैं छेड़ूंगा या फिर इसके पॉलीगन बढ़ा के कुछ सेटिंग करूंगा मैं इसकी, तो ही वो हमारा उस पर दिखेगा, नहीं तो वो नहीं दिखेगा। अब मैं इसे पॉलीगन बढ़ा करके थोड़ा सा स्केल आउट कर देता हूँ इसको, स्केल करा तो यहाँ भी देख सकते हैं आपकी स्केलिंग बढ़ रही है। अब मैं इस वाले पॉलीगन को सिलेक्ट करके करूँगा तो यहाँ भी आपकी स्केलिंग कम हो रही है। तो ऐसा हम लोग कनेक्ट कनेक्ट यूज़ करते हैं ऐसे। तो अब इस हिसाब से आप और भी चीज़ें बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा और सब चीज़ें बताऊँगा मैक्स के अंदर कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू गाइस।